नमस्कार, मैं हूँ निशा और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हमारे साथ है एडवोकेट सुरेश चंद्रा जी। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत साधुवाद। आप सब पूछना चाहते हैं कि मायावती जी आज 64 साल की होने जा रही है, जो बुजुर्ग बुढ़ापे की पहचान है, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी का क्या होगा? निशा जी, ये चिंता करने लायक तो बात नहीं है। हर किसी को बुढ़ापा आता है, बुजुर्गी आती है, लेकिन आदमी को तो ये है लक्षण प्राकृतिक व्यवस्था का कि बुढ़ापा आएगा। और मैं तो माननीय बहन जी को बहुत सम्मान भरी निगाह से देख रहा हूँ कि कम से कम वो उस अवस्था की तरफ तो हैं जिसे लोग देख नहीं पाते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी शादी 1972 में हो गई, 47 साल हो गए। 47 साल की उम्र आम आदमी को मिलती नहीं है। तो मान्य बहन जी तो अभी मेरे से उम्र में छोटी हैं। मैं 67 साल का हूँ, मान्य बहन जी मेरी 64 साल की 15 जनवरी को होंगी। तो भाई कोई विचारधारा थोड़ी ना जो बूढ़ी होती है। मान्य बहन जी ने इतने कार्यकर्ता, इतने पदाधिकारी, इतने प्रभारी तैयार कर दिए हैं जो उनके एक एक अल्फाज पर जान न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। तो ये चिंता का विषय नहीं है कि मान्य बहन जी 63-64 साल के होने को हैं तो भी बुजुर्ग की पहचान है। ठीक है, पहचान है, कोई बात नहीं, लेकिन मान्य बहन जी का मनोबल देखिए ना। मान्य बहन जी का मनोबल तो बुजुर्ग की तरफ नहीं जा रहा, वो आज भी उसी मनोबल के साथ, जो आज से मैं कह दूँ तो 87-88-89 में जब कहीं जिनका नाम लिया जाता है इस देश में, महात्मा गांधी का, जब उनको कह दिया था, कह क्या दिया था, वास्तविकता है, सच है कि यदि हम लोग हरिजन हैं, हम हरि के जन हैं, तो महात्मा गांधी क्या शैतान की औलाद हैं। तो जिस मतलब जोश खरोश के साथ उन्होंने उस दौरान सच्ची और अच्छी बात कही थी, आज भी मान्य बहन जी बहुजन समाज के कल्याण के लिए और बहुजन समाज पार्टी को चलाने के लिए उसी जोश खरोश के साथ, पूरे मनोबल के साथ लगी हुई हैं और पार्टी को मजबूती प्रदान कर रही हैं। और हम जितने भी कार्यकर्ता हैं, मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मेरे जो प्रभारी लोग हैं, बड़े नेता हैं, वे सारे के सारे लोग अनुशासन में, मान्य बहन जी के अनुशासन में आज पार्टी को मजबूत बनाने में सक्रिय हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। निसंदेह मान्य बहन जी को मेरा भी इस तरह का मंगल कामना है, शुभकामना है। मैं तो मान्य बहन जी के जन्मदिन 15 जनवरी 2020 जो आएगा, मैं तो उससे ही आज मैं 12-13 में बात कर रहा हूँ, तो लगभग एक माह पहले ही मैं तो मान्य बहन जी को मंगल कामना करता हूँ, सुखद कामना करता हूँ, शुभ। मैं चूँकि उम्र में हूँ, मेरी छोटी बहन है, तो मैं शुभ आशीर्वाद भी देता हूँ। इस तरह की मंगल कामना है कि मान्य बहन जी कोटि कोटि साल हमारे साथ रहें। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।